ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, आपको याद होगी एक तस्वीर जो काफी वायरल हुई थी, ऑल आईज ऑन राफा। आज सवाल पूछा जा रहा है, ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू क्यों नहीं। जी हाँ, तस्वीरें जो बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि बांग्लादेश में आखिरकार कैसे लोगों के अंदर इतना गुस्सा पनप गया कि वो गुस्सा सड़कों पर अब फूट पड़ा है। तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं उसमें दिख रही है प्रदर्शनकारियों की कुंठा। लेकिन इस बीच भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, जो वहाँ अल्पसंख्यक आबादी में आते हैं, उनकी जान को खतरा है। वो लगातार अपनी जिंदगी पर इस खतरे को लेकर आगाह कर रहे हैं। वहाँ से तमाम वीडियोज सामने आ रहे हैं जिसमें हिंदुओं के घरों, उनके दुकानों, उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस्कॉन मंदिर की तरफ से भी ये कहा गया है कि बांग्लादेश के अंदर कई ऐसे इस्कॉन मंदिर हैं जिन पर निशाना बनाया गया, जिन पर हमला किया गया, जिन्हें जलाने की कोशिश तक की गई। इसके अलावा वहाँ से बड़ी संख्या में जो हिंदू आबादी के लोग हैं वो भारत की तरफ पहुँच रहे हैं और लगातार भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि भारत में उन्हें शरण दी जाए, क्योंकि इस समय जो बांग्लादेश में माहौल है वो वहाँ की अल्पसंख्यक आबादी के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। करीब 8-9% के बीच वहाँ पर अल्पसंख्यक आबादी है। কিচ্ছু রাখে নাই, আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিতাই ভাইয়া বলেছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব, আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না, আমরাও দেশের নাগরিক না, তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে, আমরা তো স্বাধীনতা ঠিক আছে সবই ঠিক। বাংলাদেশ কি প্রধানমন্ত্রী রহি শেখ হাসিনা নে ইস্তফা দেনে কে বাদ सबसे पहले जो पॉलिटिकल असाइलम लिया वो भारत से लिया। आज इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों ही सदनों में बयान दिया है और कहा है कि अनुमति मांगी गई शेख हसीना की ओर से, उन्हें वो अनुमति मिली, हिंडन बेस पर इस समय वो हैं और आगे अब उनका क्या प्लान होगा, कहाँ वो मूव कर सकती है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी फिलहाल तो नहीं है। लेकिन साथ ही विदेश मंत्री ने अपने बयान में ये भी साफ कर दिया कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं और साथ ही वहाँ जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी भारत सरकार अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। अब यहाँ पर तमाम अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं कि आखिरकार एक ऐसा वर्ग जो देश में कभी भी किसी और धर्म के लोगों पर, किसी और वर्ग के लोगों पर जब भी कोई अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होती है, तो मुखर हो जाता है, आवाज उठाता है, अपने देश में प्रोटेस्ट करता है, तो कहाँ है वो वर्ग जो आवाज क्यों नहीं उठा रहा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। क्योंकि वहां की तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए इस समय जो हालात है बेहद भयावह बने हुए हैं, लगातार उनकी जान को खतरा उनकी जान पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में उन हिंदुओं के लिए आवाज कौन उठाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब वापस से आते हैं जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है क्यों हुआ है, किस तरह से गुस्सा पनप रहा था, उसकी जो वजह रही है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन तस्वीरों पर बात कर लेते हैं। तस्वीरें वहां से सामने आए कि प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास के अंदर घुसकर भी तोड़फोड़ की। वो जहां पर शेख हसीना का जो कमरा था वो वहां तक पहुंचे, उनके प्राइवेट केबिन तक पहुंचे, उन कुर्सियों, उनके बेड पर तोड़फोड़ की, यहां तक कि जो उनके अंडरगारमेंट्स थे उनको भी हवा लहराया गया। ये किस तरह की कुंठा थी, ये किस तरह का विरोध प्रदर्शन था, आखिरकार इस विरोध प्रदर्शन को कौन हवा दे रहा था। न्यूज़ इंडिया, न्यूज़ 18 नेटवर्क के एक जर्नलिस्ट ने बातचीत की शेख हसीना के बेटे से भी, और इस बातचीत में उनके बेटे ने इस बात को लेकर साफ किया कि अब उनकी माँ पॉलिटिक्स में वापसी नहीं करेंगी, यानी कि शेख हसीना राजनीति में वापस नहीं आएंगी, क्योंकि वो अब बेहद दुखी हो चुकी हैं, आहत है कि उन्होंने उस देश के लिए, अपने देश बांग्लादेश के लिए, विकास के लिए जितने काम किए उन कार्यों को नज़रअंदाज करते हुए आज बांग्लादेश की आवाम ने उनके साथ ऐसा सुलूक किया है।
और अब वो कहाँ आगे रहेंगी, कहाँ शरण लेंगी, इसको लेकर उनके बेटे ने तस्वीर साफ नहीं की। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जो बांग्लादेश में हिंसा हुई, जो बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ माहौल बना, उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बना, उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, तो उन्होंने दो नाम लिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इसके पीछे ISI का हाथ हो सकता है और साथ ही अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। ये दो नाम उन्होंने स्पष्टता के साथ लिए हैं, लेकिन साथ ही इस बात को दोहराया कि उनके पास कोई सबूत इस बात को लेकर नहीं है। अब बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि जिस तरह से शेख हसीना ने फिलहाल भारत में आने की अनुमति मांगी और वो भारत में हैं इस समय, जहाँ पर अजीत डोभाल से उनकी करीब एक घंटा बातचीत हुई है। इस बातचीत पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि बांग्लादेश के हालातों के को लेकर, बांग्लादेश के इस अंदरूनी मामले में भारत को दखल नहीं देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार जो थी वो भारत की मित्रवर्ती सरकार के रूप में, एक आले के रूप में देखी जाती रही है। लेकिन अब जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है और कहा जा रहा है कि शेख हसीना के बाद अब वहाँ पर किसकी सरकार बन सकती है, तो वो होगी BNP। खालिदा जिया को भी रिहा करने की बात सामने आई है। खालिदा जिया जो एक करप्शन के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही थी, और BNP कट्टरपंथी पार्टी है, इसके थक चुनिंदा भर है, लेकिन इस समय वो बांग्लादेश में हावी दिखाई दे रहे हैं। और जो BNP है वो पाकिस्तान की समर्थक मानी जाती रही है, वो पाकिस्तान के हित को लेकर बांग्लादेश के हितों की बात करती रही है। तो ऐसे में अगर वहां पर BNP की सरकार बनती है, तो भारत को भी वहां के बांग्लादेश के पॉलिटिकल मूवमेंट पर अपनी पैनी निगाह बनाकर रखनी होगी। और इसीलिए पाकिस्तान ऐतराज जता रहा है कि भारत इनके बांग्लादेश के मामले में दखल ना दे। लेकिन बड़ी बात यहां पर वापस आ जाती है उन बेकसूर हिंदुओं की, उन निर्दोष हिंदुओं की जिन्होंने इसके पीछे उनका कोई भी इसमें हाथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी कीमत जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, वो चुका रहा है। विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारतीयों पर और जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, उनके सुरक्षा को लेकर भारत सरकार विचार कर रही है और पैनी निगाह बनाए हुए है। लगातार वहां से हिंदू बांग्लादेश बॉर्डर्स और भारत बॉर्डर के नजदीक पहुंच रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो फोर्सेस हैं वो भी एक्टिव हैं, जरूरी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रही हैं। वापस से उठता है सवाल कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, आखिर अब क्यों नहीं ये तस्वीर वायरल हो रही है।